हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपका स्वागत करती हूं और मैं बोल रही हूं अंजना जला लाइफ स्टाइल से। फ्रेंड्स, कल हम इतने सारे मिट्टी फैला दिए थे और एक दिन हो गए हमारे मिट्टी में धूप लग गए और अब हम आज मिट्टी बना लेंगे। तो हम मिट्टी के ऊपर किचन कंपोस्ट फैला दिए हैं। इस बार हम सिर्फ किचन कंपोस्ट डाल के ही देख रहे हैं जो किचन कंपोस्ट से हमारे पौधे का ग्रोथ कितना होता है। और देखिए, नीचे जितने भी हमारे गार्डन के कचरे थे और कुछ कार्टून वगैरह थे, उसको छोटे छोटे से टुकड़े में काट के इसमें रख दिए। अब हमारे कचरे सड़ते रहेंगे और खाद बनते रहेंगे, तो जब हमारे प्लांट्स के रूट नीचे जाएंगे तो उसे पौष्टिक खाद मिलेगा, तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। तो जब भी मिट्टी हम बनाते हैं तो हमारे जितने गार्डन के कचरे होते हैं नीचे हम डाल देते हैं, या घर में जो भी कार्टून वगैरह जो आते हैं सारे कुछ को हम तोड़ तोड़ के नीचे डाल देते हैं, तो सड़ते रहता है, कंपोस्ट बनते रहता है। तब तक हमारे प्लांट्स के रूट जब नीचे जाते हैं तो हम वो अच्छी खाद बन जाती है और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप भरिए, अपने ग्रो बैग भरिए या आपके पास गमले हो भरिए, तो नीचे कुछ डाल दीजिए, जो भी किचन कंपोस्ट हो या आप जो भी घास वगैरह जो भी अपने गार्डन का जो भी कचरा निकालते हैं उसको नीचे डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा कंपोस्ट हो जाता है और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है और कम मिट्टी में हमारे पॉट्स भी भर जाते हैं। तो आज हम थोड़े से गार्डन का आपको झलक भी दिखा दे रहे हैं और थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ का टेम्परेचर 43 पार कर गया है, तो बहुत सवेरे हम नहीं आ सकते हैं छत पे। 6:30 बजे शाम के बाद ही हम छत पे आते हैं, 6 बजे के बाद तो बहुत टाइम हमें नहीं मिलता है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो अगर हम मिट्टी मिलाने लगेंगे तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, अंधेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम वीडियो ही बना ले रहे हैं और मिट्टी के बारे में बनाएंगे। जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग भी अच्छी होती है, ऐसी नहीं है जो हार्वेस्टिंग नहीं होती है, पर हमें गर्मी के सीज़न में जो भी सब्जी हमारे होते हैं तो उसमें थोड़े से मेहनत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इतने टेम्परेचर होते हैं और मिट्टी हमारे पास थोड़े से होते हैं, मिट्टी सूख जाती है तो पानी हमें दिन में 2 बार देने होते हैं। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है, जो अगर हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो ग्रो बैग उसके लिए सबसे बेस्ट है। ग्रो बैग का जो पानी हम डालते हैं, शाम में एक बार डालते हैं, तो ग्रो बैग में उतने नहीं सूखते हैं। लेकिन और जैसे सीमेंट वाले पॉट्स जो हमारे 12 इंच वाले, 14 इंच वाले, कुछ भी हो सीमेंट वाले पॉट्स में पानी जल्दी सूखता है। तो हम आप सबों से कहेंगे, जो अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ग्रो बैग उसके लिए सबसे बेस्ट है। आप ग्रो बैग में लगाइए, मेरे पास तो पहले से जो था उसको रखे हुए हैं, पर अब हम वो सीमेंट वाले गमले नहीं लेते हैं, सबसे अच्छा हमें ग्रो बैग ही लगता है। ग्रो बैग को फ्रेंड्स उलटने में भी, मिट्टी अगर पलटना हो तो भी अच्छा होता है, क्योंकि उसको फटने का टूटने का कोई डर नहीं होता है, बिल्कुल आप उलट दीजिए और मिट्टी हटा दीजिए तो उसके भीड़ से हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हम मिट्टी हमारे बहुत आसानी से उसमें से निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा कमेंट्स कर दीजिए। मैं बहुत दिनों से गार्डनिंग कर रही हूँ और मेरी हार्वेस्टिंग भी अच्छी हो रही है, मैं जो भी जानती हूँ आप सबों को बताती हूँ। तो आपका प्यार अगर मिले तो शायद हम भी आगे बढ़ पाएँ, लेकिन जितना प्यार मिलना चाहिए उतना आपका प्यार नहीं मिलता है। और ये हमारे छोटे से लौकी हैं, इसके ग्रोथ इतने कड़े धूप है जो इसके ग्रोथ अच्छे नहीं हुए, तो उसको भी काट ले रहे हैं। अब हमारे गार्डन से कुंदरू भी निकल रहा है, करेला भी निकल रहा है। हम इस बार थोड़े से लेट हो गए हैं, 6 फरवरी के लास्ट वीक में हम बीज डाले हैं, क्योंकि फरवरी शुरू से हम थे ही यहाँ नहीं, तो लेट हो गए हैं। थैंक यू, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।